नए बिजनेस आइडियाज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल स्किल टीचर को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही इस बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस और नए बिजनेस आइडियाज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम हर एक गांव हर एक शहर में लगातार चलता रहता है, तो ऐसे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस तरीके से आप शटरिंग मटेरियल का बिजनेस शुरू कर सकते हैं और अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम हर एक गाँव और हर एक शहर में चलता ही रहता है, तो कंस्ट्रक्शन के काम के दौरान बहुत सारे ऐसा मटेरियल होता है जो कि रेंट पर लेना पड़ता है। उनमें से सबसे जरूरी और खास सामान होता है शटरिंग का सामान। और दोस्तों, ये एक ऐसा बिजनेस है जिसके अंदर आपको आपके द्वारा जो भी सामान आप रेंट पर देते हैं उसका आपको पर डे के हिसाब से रेंट मिलता है और पर डे के हिसाब से आपको अच्छा खासा पैसा भी मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों, शटरिंग की अगर बात करें तो इसके अंदर आपको छोटा बड़ा बहुत सारा सामान रखना होगा और शटरिंग की दो तीन टाइप्स होती हैं, जैसे कि वुडन शटरिंग या फिर स्टील शटरिंग। और जैसे कि अब आपने सामने आप शटरिंग प्लेट्स देख रहे हैं, इस तरह की आपको बहुत सारी प्लेट्स आपको खरीदनी होगी शुरुआत में। और दोस्तों, ये जो लोहे की प्लेट्स हैं ये पर किलो के हिसाब से मिलती हैं। अगर आप इस काम को शुरू करना चाहते हैं आप इसका रेट ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों आप वुडन शटरिंग के लिए लकड़ी का और बांस का वो भी अपने पास पक्के तौर पर बनवा कर रख सकते हैं और उनको रेंट पर दे सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, जान लेते हैं कि किस तरीके से आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको अपने सामान को रखने के लिए सबसे पहले एक गोदाम या फिर एक खाली प्लॉट की ज़रूरत पड़ेगी जहाँ पर आप शटरिंग का सारा सामान रख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आपको सभी तरह के शटरिंग मटेरियल, जैसे कि मैंने बोला वुडन शटरिंग भी होती है, स्टील शटरिंग भी होती है और शटरिंग से जुड़ा हुआ हर छोटा बड़ा सामान आपको खरीदना पड़ेगा। उसके लिए दोस्तों आपको 3 लाख से लेकर 7 लाख तक आपको इन्वेस्टमेंट करनी होगी, क्योंकि छोटा बड़ा बहुत सारा सामान है। आप छोटे सामान से भी या फिर आप कम सामान से भी शुरुआत कर सकते हैं। जैसे जैसे डिमांड बढ़ती जाए आप और इन्वेस्टमेंट करते जाइए इस बिजनेस के अंदर। इसके अलावा दोस्तों, आप जो भी सामान रेंट पर दें उसका प्रॉपर रिकॉर्ड रखें और उसकी रिकॉर्ड की प्रॉपर मेंटेनेंस रखें। इसके अलावा दोस्तों, आप इस अपने बिजनेस के अंदर और ज़्यादा सक्सेसफुल होने के लिए अपने इलाके के जितने भी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, जितने भी लोग हैं जो इस काम के अंदर जुड़े हुए हैं उनके साथ आप संपर्क में रहें और आपको अच्छा खासा काम जो मिलता रहेगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। इस तरह की और वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल स्किल टीचर को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक देखते रहिए स्किल टीचर। नमस्कार।